पार्टी सब बढ़िया से मजे में होंगे। चलिए नया चैप्टर स्टार्ट नहीं करने वाले, हम लोग नया पार्ट देखने वाले। उसी चैप्टर का जो डेटा मैनेजमेंट पढ़ रहे थे ना हम लोग, उसी का एक नया पार्ट देखने वाले, पार्ट सेकंड। ठीक है, आप लोगों ने अगर पार्ट नहीं देखा है फर्स्ट वाला तो जल्दी से जाकर देख लीजिए। उसकी वीडियो हमने आई बटन में भी डाल रखी है और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसके लिंक मेंशन है। और साथ ही हमारे चैप्टर नंबर फर्स्ट सेकंड सारे के सारे पार्ट मेंशन है, बिल्कुल ही बोर्ड से जो रिड्यूस लेवल के अकॉर्डिंग हमारी सारी वीडियोस बनी हुई है। जल्दी से जाइए, देर किस बात की, जल्दी से जाकर वीडियोस देख लीजिए। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में क्या बात करने वाले, आज क्या पढ़ने वाले। तो बिल्कुल ऐसा होता ना, रिश्ता वही जो अब रिश्ता वही वाला वो ज्वाइन देखने वाला है। बिल्कुल दो टेबल्स को कैसे ज्वाइन करवाना है वो देखेंगे हम लोग। ठीक है, इंडेक्स पता है क्या होता है? बिल्कुल सबको पता है, बिल्कुल मैम प्रैक्टिकल फाइल में इंडेक्स भरते ही रहते हैं ना। चलो इस साल कोरोना के कारण थोड़ा छुटकारा मिल गया, बाकी नहीं तो इंडेक्स इसको नहीं पता। वही इंडेक्स को हम लोग कंप्यूटर साइंस में किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे वो देखना है। टेबल्स में इंडेक्स का क्या यूज है मैम अब? तो चलिए देख लेते हैं हम लोग, ज्यादा बातें नहीं करते, हमारे वापस से हमारे उसी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं अच्छे तरीके से पांच सेकंड को। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले समझ लेते हैं इंडेक्सिंग होता क्या है, व्हाट इज़ इंडेक्स, है ना। चलो हमारे तुम लोग ने देखा होगा हमारी बुक का, हम लोग जब फ्रंट पेज खोलते हैं ठीक है, एक्नॉलेजमेंट के बाद हम लोग को इंडेक्स दिखाई देता है कि चैप्टर नंबर दिखाई देता है, उसके बाद चैप्टर का नाम, ये किस इंडेक्स पर है ठीक है, पेज नंबर दिखाई देता है ना उसका, कितने पेज नंबर से इतने पेज नंबर तक है, है ना। जैसे यहाँ 3 दिया है ना, हमारी मोस्टली बुक में 3 से लेके 15 तक एक चैप्टर है ऐसा मेंशन होता है ठीक है। तो वो क्या है, वो इंडेक्सिंग है कि उसने बता दिया कि ABC वाला चैप्टर मेरा 3rd नंबर पे है, 3rd नंबर पेज नंबर पे है ठीक है। RST वाला चैप्टर मेरा 37th पेज नंबर पे, इससे क्या हो जाएगा, सर्चिंग फास्ट हो जाएगी ना, तुम्हें पूरी बुक पलटाने की ज़रूरत नहीं है, गॉट इट, है ना। पूरी बुक पलटाने की ज़रूरत नहीं है, हमें पर्टिकुलर पेज पे जाने की ज़रूरत है। अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा XYZ वाला चैप्टर मुझे पढ़ना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट मैं 15th वाले पेज पर जाऊँगी, है ना। ऐसा नहीं कि 1 to 15 पलटाते जा रहे हैं ऐसा नहीं। तो इससे क्या हो रहा है, सर्चिंग फास्ट हो रही। अब चलिए देखते हैं, अब हम लोग को अगर हम लोग कंप्यूटर की बात करें ठीक है, कंप्यूटर की भाषा में हम लोग को मैम सर्चिंग फास्ट करवाने की क्यों ज़रूरत पड़ी, वो भी हम लोग SQL पढ़ रहे हैं, तब SQL में क्या ज़रूरत है। तो ये तो हो गया हमारी डेली लाइफ की बात है कि इंडेक्स पेज पर जाना था हमें, तो इसलिए हमने इंडेक्सिंग करी। अब यहाँ क्या होता है, सपोज़ बच्चों हमने अभी तक छोटी छोटी टेबल्स बनाना सीखी है। अब देखो हमारे स्कूल में कॉलेजेस में हमारे बहुत सारे नंबर ऑफ स्टूडेंट होते हैं, इतने सारे बच्चों की एंट्रीज चढ़ाना उसमें, और उसके बाद उसको किसी को पर्टिकुलर स्टूडेंट को सर्च करना ठीक है, तो वहाँ क्या हो जाता है, बहुत सारे ज़्यादा स्टूडेंट है, उस हिसाब से सर्चिंग स्लो हो जाती है। उसको फास्ट करने के लिए हमारे पास इंडेक्स का कॉन्सेप्ट आया। अब समझ में आ गया, देखो अब मेरे को कैसे समझाना है। देखो यहाँ मैंने कितने 1 2 3 4 5 स्टूडेंट है। अब इतने में से मुझे चाह रही हूँ मैं कि मुझे सरिता कुमारी का मुझे पता चल जाए कि उसका रोल नंबर क्या है, एज क्या है ठीक है, कौन सा कोर्स लिया है उसने, कौन सी क्लास में स्टडी करती है, तो सिर्फ मैं उसको नाम से सर्च कर सकती हूँ। इसीलिए मैं क्या कर दूँगी, इसको इंडेक्सिंग कर दूँगी, इसका नाम या हर बच्चे के नाम को अपन इंडेक्सिंग में डाल देंगे ठीक है। उससे क्या हो जाएगा कि अगर मुझे पर्टिकुलर उस वो बच्चा चाहिए तो सिर्फ मैं उसका नाम लिख के उसको एक्सेस कर सकती हूँ ठीक है, सर्चिंग फास्ट हो जाएगी। इसका मेन मोटिव क्या है कि इंडेक्सिंग क्यों करते हैं, क्या कि क्योंकि सर्चिंग फास्ट हो जाए। डेली रूटीन में भी देखिए और कंप्यूटर की लैंग्वेज में भी देखें ठीक है। अब मैम बात है कि सिंटेक्स क्या लिखना पड़ेगा उसके लिए, बहुत ही आसान सा सिंटेक्स रहेगा बच्चों। देखो क्या लिखना पड़ेगा, क्रिएट इंडेक्स क्रिएट कर रहे तो क्रिएट इंडेक्स लिखूँ मैं, सिंपल सी हमारी एकदम इंग्लिश लैंग्वेज जैसा बिल्कुल सिंटेक्स रहता है ठीक है। अब ये इंडेक्स का नाम है ना, ये अपने ऊपर डिपेंड है कि एक नया नाम हम लोग को इंडेक्स का देना पड़ता है। जैसे ही हम लोग पीछे अगर देखें तो यहाँ क्या है, मीरा खान है ठीक है। अगर मुझे इसको फाइंड करना है तो मैं क्या दे दूँगी, नेम दे दूँगी ठीक है, या कुछ भी दे दूँगी। जैसे हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो आप लोग को और समझ में आएगी। ये इंडेक्स का नाम हम लोग को खुद से कुछ ना कुछ देना है ठीक है, कुछ भी दे सकते हो, है ना, वॉट एवर यू वॉन्ट, बिल्कुल कुछ भी। ऑन कौन सी टेबल पर लगाना है आपको, टेबल नेम, उस टेबल का नाम, जैसे हम लोग ने सीखा था ना इससे पहले वाली वीडियो में कि टेबल का नाम कैसे रखना है ना, क्रिएट टेबल उसके बाद टेबल का नाम लिख देना, तो वो टेबल का नाम। उसके बाद कौन कौन से कॉलम्स को, जैसे ये कॉलम हो गए नेम एज और जेंडर, ये सारे कॉलम्स हैं, कौन कौन से कॉलम्स को आपको क्या करना है, इंडेक्सिंग में डालना है
ठीक है, तो ये कमांड क्या आपको समझ लो मैं आ गई, क्रिएट इंडेक्स, इंडेक्स का नाम ये जो हम लोग को देना है, ऑन टेबल नेम कौन सी टेबल पे है टेबल का नाम देना है, और कॉलम्स के नाम देने हैं ना, जो कॉलम हमारे मेंशन हो उस पर्टिकुलर टेबल में। अब मैम हम लोग चाहते हैं कि किसी इंडेक्स को डिलीट करवाना, तब कैसे करवा सकते हैं, तो डिलीट करवाने के लिए भी हमारे पास क्या होता है, ड्रॉप इंडेक्स, ड्रॉप इंडेक्स लिखना है, ठीक है। ड्रॉप का मतलब तुम लोग को पता आया था मैंने इससे पहले वाली वीडियो में कि डिलीट करना होता है, ठीक है। और इंडेक्स का नाम लिख दो, है ना, यहाँ जो इंडेक्स का नाम लिखा है वो इंडेक्स का नाम लिख दो, ऑन टेबल नेम, ऑन टेबल का जो नाम है ना वो टेबल नेम लग के सेमी कॉलम नक्की लगाना जरूरी है ना, बिल्कुल भूल जाओगे तो एरर दे देगा, आज क्वेरी रन ही नहीं होगी। और जैसा बिल्कुल सिंटेक्स लिखा दिख रहा है क्वेरी में वैसा कि वैसा सिंटेक्स लिखना, ठीक है बच्चों। चलो अब कुछ गाइडलाइंस लिख लेते हैं हम लोग, इंडेक्स लिखने के लिए भी कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं ना, तो ठीक है कुछ देख लेते हैं हम लोग गाइडलाइंस। तो देखो सबसे पहला पॉइंट क्या बता रहा है वो कि ऑटोमेटिकली क्रिएट इंडेक्स फॉर प्राइमरी एंड यूनिक कॉलम। सीधी सी बात है, आप अगर किसी दो टेबल्स के बीच में अगर इंडेक्सिंग कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो ठीक है, उसमें से एक प्राइमरी की होनी चाहिए और दूसरा हमारी फॉरेन की। यूनिक कॉलम से क्या मतलब है, फॉरेन कीज का मतलब है। इंडेक्स सेकंड पॉइंट देखते हैं, इंडेक्स कॉलम्स दैट यू फ्रिक्वेंटली यूज टू रिट्रीव द डाटा। मैंने बोला था कि सर्च फास्ट हो जाती है, क्यों करते हैं हम लोग रिट्रीव करने के लिए डाटा को करते हैं ना, ठीक है। इंडेक्स कॉलम डेटा यूज्ड फॉर जॉइन टू इम्प्रूव जॉइन परफॉर्मेंस। इसके बाद जो टॉपिक देखेंगे जॉइन देखेंगे कि इंडेक्स से क्या होता है, जॉइनिंग भी बड़ी अच्छे तरीके से परफॉर्म हो जाती है ना। अवॉइड कॉलम्स डेट कंटेन टू मेनी नल वैल्यूज। इंडेक्स उसमें मत लगाना जिसमें बहुत सारी नल वैल्यूज है। नल वैल्यूज से भी मैंने इसके पहले बताया था, नल वैल्यूज का मतलब बता देती हूँ वापस से कि खाली, जिसमें हम लोग कुछ कॉलम्स खाली छोड़ देते हैं उस पर आप लोग इंडेक्सिंग नहीं लगाएंगे, ठीक है, उस पर नहीं लगा सकते। स्मॉल टेबल डू नॉट रिक्वायर इंडेक्स। सीधी सी बात है कि छोटी टेबल्स के लिए इंडेक्स ज़्यादा क्या क्यों ज़रूरी है, छोटी टेबल्स में तो हम लोग चार, अब देखो जैसे हम लोगों ने यही वाली टेबल देखी उसमें पाँच ही तो नाम है, ऐसे ही हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। इंडेक्स किस पर लगता है जनरली, बड़ी टेबल्स पे। मेरे पास 100 नंबर ऑफ स्टूडेंट है, 200 नंबर ऑफ स्टूडेंट है ना, जैसे होता है ना कि नाइन्थ क्लास में ए बी सी डी चार सेक्शन होते हैं, अगर पर्टिकुलर क्लास में 60 नंबर ऑफ स्टूडेंट है तो देखो कितने सारे हो जाएंगे, है ना, 240 नंबर ऑफ स्टूडेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है कि बड़ी टेबल्स पर जनरली इंडेक्स लगाया जाता है, छोटी टेबल्स पर नहीं लगाया जाता बच्चों। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं इंडेक्स का सबसे पहले प्रैक्टिकल देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ इंडेक्स कमांड समझते हैं कि इंडेक्स हम लोग कैसे परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने डेटाबेस एक बना रखा है, उसी को यूज़ कर लेते हैं, आप भी कर सकते हैं। यूज़ डेटाबेस का नाम है मेरा कॉलेज, तो यूज़ कॉलेज लिखा मैंने, ठीक है, सेमी कॉलन दे दिया। अब क्या करना है मुझे, कुछ नहीं करना, हम लोग को पहले देख लेते कौन सी टेबल हमारी इसमें से बनी हुई है। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, तो टेबल नेम मैंने STU दिया था, मतलब स्टूडेंट नाम की एक टेबल बना रखी थी, विद सेमी कॉलन देना है कि पीछे आप लोग सेमी कॉलन लगाएंगे। इसको मैं अगर रन करवाती हूँ तो देखिए आप लोग के सामने एक टेबल आ चुकी है जिसमें ये स्टूडेंट ID है 10, 20, 30, स्टूडेंट का नाम क्या है तो आयुषी सेजल मुस्कान, और ये स्टूडेंट की सिटी है, मतलब स्टूडेंट कौन सी पर्टिकुलर सिटी में रहता है। अब क्या करना है, चलो कुछ थोड़ा सा और यूनिक करके देखते हैं। मैं चाहती हूँ कि स्टूडेंट की वही आईडी दिखे, स्टूडेंट की आईडी जिन बच्चों की आईडी 10 से ऊपर है, 10 से ऊपर है, उन बच्चों की दिखे। तो कैसी कमांड लिखना पड़ती है वहाँ देखिए जरा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर स्टूडेंट आईडी STU आईडी, अब ग्रेटर देन का साइन आपको पता ही है कौन सा होता है, इज ग्रेटर देन 10, ऐसा हम लोग को चलानी है कमांड। तो इससे क्या हो जाएगा, जो बच्चों की आईडी 10 से ऊपर है स्टूडेंट की उनका नाम आ जाएगा। चलो रन करवा के देखते हैं, है ना। चलिए देखिए यहाँ 10 से ऊपर सेजल और मुस्कान की आईडी क्या थी, 10 से ऊपर थी, मतलब 20 और 30। वैसे ही आप कुछ भी चीज़ें करवा सकते हैं, मैं कुछ भी अगर रोल नंबर डाला हो, ग्रेड्स डाले हो, तो हम वैसी चीज़ें करवा सकते हैं। अब एक और चीज़ क्या करवाना है, अब हम लोग को इंडेक्स वाली कमांड चलानी है। तो हम पहले इंडेक्स बना लेते हैं कि हम लोग को कौन सी फील्ड को, मतलब कौन से कॉलम को इंडेक्स में डालना है। इंडेक्स से क्या हो जाता है, हमारी जो बहुत बड़े बड़े डेटाज होते हैं हमारे पास उसकी कमांड बहुत जल्दी फास्ट हो जाती है ना, क्विक, एकदम कुछ ही सेकंड्स में वो रिजल्ट को बता देता है। अभी तो हमने तीन ही को, मतलब ये लिया है, तीन ही एंट्रीज डाली है, जैसे कॉलेज स्कूल्स के एंट्रीज में बहुत सारी एंट्री होती है, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं, तो उसमें इंडेक्स कमांड बहुत यूज होती है। चलिए हम लोग करके देखते हैं, तो किसको इंडेक्स बनाना है सबसे पहले वो देखते हैं, क्रिएट, ठीक है, इंडेक्स, इसके बीच में स्पेस नहीं दिया ना, चलो बच्चे छोटी छोटी चीज़ों का आप लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा, है ना। क्रिएट इंडेक्स, अब इंडेक्स का कुछ नाम देना है, क्या करें, तो हम लोग, मैंने इंडेक्स का नाम दे दिया पूरा स्टूडेंट आईडी करके, ये इंडेक्स का नाम देना है, कुछ भी दे सकते हो, व्हाटएवर यू वांट, है ना।
जो तुम चाहते हो बिल्कुल ठीक है। ऑन किस पर, कौन सी टेबल पे लगा रहे हो अब ये ऑपरेशन, तो क्या नाम है हमारी टेबल का, एस टी यू नाम है ना, तो ऑन एस टी यू टेबल नेम ठीक है। अब कौन सा कॉलम पर लगाना चाहते हो, तो कौन से कॉलम पे लगा रहे हैं हम लोग ऑपरेशन, ये स्टूडेंट आईडी पर लगा रहे हैं ना, इस पर हम लोग क्या कर रहे हैं इंडेक्स लगा रहे हैं, इस पर क्रिएट कर रहे हैं इंडेक्स। तो देखो यहाँ मैं क्या क्या करूँगी, हम लोग के ब्रैकेट खोला और वहाँ मैंने लिख दिया एस टी यू आई डी स्टूडेंट आई डी। क्वेरी समझ में आई, आई होप बच्चे अच्छे से समझ में आई होगी, और सेमी कॉलन लगाइए। क्रिएट इंडेक्स, इतना तो पता ही है इंडेक्स क्रिएट करना, इंडेक्स का कुछ नाम देना है जो भी दे दो, मैंने स्टूडेंट आई डी दिया है। कौन सी टेबल है, तो ऑन टेबल नाम टेबल नेम, तो टेबल नेम है मेरा एस टी यू स्टूडेंट, और फिर कॉलम का नाम दे देना है ठीक है। चलो अब मैंने करी, ये क्या बोल रहा है स्टूडेंट आई डी डुप्लीकेट, मैंने एक बार पहले ये चला चुकी है तो ठीक है, हम लोग इसका नाम चेंज कर देते हैं, हम रख देते सिर्फ स्टूडेंट रख देते ना इसका, क्योंकि देखो वो क्या कर बता रहा है, इसका मतलब क्या है कि आप कभी भी इंडेक्स का नाम सेम नाम नहीं बना सकते। मैंने पहले क्रिएट इंडेक्स करके सेम नाम का इंडेक्स बना चुकी थी स्टूडेंट आई डी, तो आप अब दूसरा नाम दीजिए इंडेक्स को ना, सेम नाम नहीं दे सकते आप ठीक है। दो आप भी किसी दो कमांड पर सेम इंडेक्स का नाम नहीं दे सकते। चलिए अब चल जाइए, देखो चल गई है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ, चलो अब मैं शो करवा के दिखा देती हूँ कि पहले हम लोग को ये तो पता लगना चाहिए ना कि ये इंडेक्स बना भी है कि नहीं, हमने जो फील्ड को जो कॉलम को इंडेक्स में डाला है वो ऑलरेडी है कि नहीं, उसमें इंडेक्स में बना कि नहीं। तो देखो मैं क्या करूँगी, शो करवाना है मुझे, तो शो इंडेक्स फ्रॉम कौन सी टेबल से करवाना है, मतलब फ्रॉम टेबल नेम आएगा, टेबल नेम है मेरे यहाँ एस टी यू, और आप सेमी कॉलन लगा दूंगी। देखो ये क्या आ गया, मेरे दो इंडेक्स आ गए, ये वाला इंडेक्स मैंने पहले बनाया था और ये अभी बना है। आप लोग मल्टीपल इंडेक्स भी बना सकते हैं, कैसे, देखो क्रिएट इंडेक्स की कमांड में यहाँ क्रिएट इंडेक्स स्टूडेंट, अब नाम को चेंज कर देते हैं, नहीं तो फिर से वापस से एरर दे देगा है ना। तो मैं क्या कर दूँ इस वाले केस में, नाम क्लास कर देते हैं ना, इंडेक्स का नाम क्लास बना लेते हैं, कुछ भी बना सकते हो। यहाँ आप मल्टीपल कॉलम्स को भी इंडेक्स में डाल सकते हैं, जैसे हम लोग स्टूडेंट आईडी के साथ स्टूडेंट का नाम भी डाल देते हैं ना। चलिए तो देखते कॉलम एस टी यू नेम भी डाल, तो चलिए यहाँ एस टी यू नेम भी डाल देते हैं ना, स्टूडेंट आई डी के साथ स्टूडेंट नेम भी डाल देते हैं, ये हो गया ठीक है। रन करवा के देखिए अब हम लोग है ना, चलो ये हो गया। अब शो करवाना है तो देखिए मैंने शो करवा लेती हूँ, शो इंडेक्स फ्रॉम स्टूडेंट ओके। देखो अब क्या हो गया, तीन इंडेक्स आ गए यहाँ, देखो क्या क्या आ गया हमारा, यहाँ स्टूडेंट आई डी को डाला है, कॉलम नेम यहाँ शो हो रहा है आप लोगों को, दो बार स्टूडेंट आईडी को डाला है, तीन बार डाला है और एक बार स्टूडेंट नेम को डाला है ना। दो बार तो मैंने ही डाला था, अभी हम लोग ने स्टूडेंट आईडी वापस से डाला और स्टूडेंट नेम, पहले जब रन करवाया था तो हम लोग को दो बार दिखा था, यहाँ देखिए ये मैंने रन करवाई थी पहले और ये आपके सामने अभी रन करवा के दिखाई, ये दो बार तो था, अभी ये तीन बार कैसे हो गया मैम। स्टूडेंट आईडी तो हमने अभी तो देखो ना बच्चा, अभी भी हम लोग ने जब क्रिएट करा था इंडेक्स, क्लास नाम का एक इंडेक्स क्रिएट किया था, तब भी दो कॉलम दिए स्टूडेंट आईडी एंड स्टूडेंट नेम, तो दो तो पहले से थे, ये जो हम लोगों को दो पहले आउटपुट में दिख रहे हैं, वन अभी ऐड हो गया और एक और हो गया हमारा, क्या हो गया ऐड स्टूडेंट नेम। वैसे ही आप लोग बहुत सारे कॉलम्स बना सकते हैं, मल्टीपल कॉलम्स को ये करवा सकते हैं, इंडेक्स में डाल सकते हैं, इससे क्या हो जाता है बहुत ही कम टाइम में आपको आउटपुट शो हो जाता है ना, बहुत कम टाइम लगता है। पर ये बड़ी टेबल्स जब हम लोग बनाते हैं ना, जिसमें मल्टीपल कॉलम्स भी होते हैं और मल्टीपल एंट्रीज भी होती है, बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस में स्टूडेंट्स होते हैं, ऑफिस में बनती है, उन सारी चीज़ों में ज़्यादा अच्छे से आप लोग को समझ में आएगा, बड़ा डेटा लेना उस पर अप्लाई करके देखना। आई होप दोस्तों आप लोगों को हमारी ये वाली इंडेक्स क्वेरी समझ में आई हो। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग ज्वाइन समझ लेते हैं कि ज्वाइन होता क्या है और किस किस टेबल्स पर लग सकता है ठीक है। ज्वाइन करवाने के लिए हम लोग को क्या क्वेरी लिखना पड़ेगी, सबसे पहले वो समझ लेते हैं। नेचुरल ज्वाइन लिखेंगे हम लोग कि नेचुरली हम लोग को दो टेबल्स को ज्वाइन करवाना है, सिलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम नेचुरल ज्वाइन टेबल नेम ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, कॉलम नेम मतलब आपको किस कॉलम को, मतलब फर्स्ट वाली टेबल का किस कॉलम को सेकेंड वाली टेबल के किस कॉलम से ज्वाइन करवाना है ठीक है। ये क्वेरी हमारी आपको जब समझ में आएगी जब हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। सबसे पहले मैं टेबल से आप लोग को समझाने की कोशिश करती हूँ ठीक है। हमारे पास दो टेबल्स हैं ना बच्चों, देखो एक तो टेबल नंबर वन है मेरी जिसमें हम लोग ने एम्प्लॉय नाम की टेबल बनाई है ना, और दूसरी मेरे पास टेबल नंबर टू है जो डिपार्टमेंट नाम की टेबल। अब इन दोनों में क्या है, देखो इसमें मेरे पास एम्प्लॉय आईडी है, नेम है और सीटी है। अब मैं चाहती हूँ कि ये जो राहुल है ये कौन से डिपार्टमेंट में काम करता है, मुझे वो पता लगाना है। पर देखो तुम लोग डिपार्टमेंट नेम इस टेबल में नहीं लिखा हुआ है, वो सेकेंड नंबरों की टेबल में लिखा हुआ है।
तो मुझे क्या करना है कि मुझे इस कॉलम को, नेम वाले कॉलम को डिपार्टमेंट नेम वाले कॉलम से ज्वाइन करवा देना है, ठीक है? तब पता चलेगा ना सेकेंड नंबर वाली टेबल में क्या दिया है, डिपार्टमेंट आईडी, ये डीआईडी मतलब डिपार्टमेंट आईडी, डीईपी नेम मतलब डिपार्टमेंट नेम और एम्प्लॉय आईडी, ठीक है? मुझे क्या करवाना है, नेम को डिपार्टमेंट नेम से ज्वाइन करवा देना है। इससे क्या पता चलेगा, जो पर्टिकुलर जो राहुल है, क्रेश और जय, ये लोग कौन से डिपार्टमेंट में काम करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग को पता चल जाएगी। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये वाली क्वेरी लगाएंगे। देखो अब क्वेरी देखो क्या है, नेचुरल ज्वाइन ये तो हम लोग को लिखना ही है। सिलेक्ट, सिलेक्ट क्वेरी कब चलाते हैं हम लोग, कि हम लोग को किसी पर्टिकुलर चीज़ को सिलेक्ट करना है ना। यहाँ वो पर्टिकुलर चीज़ क्या है, तो यहाँ कॉलम नेम। अब देखो जैसे मुझे कॉलम या ये वाला चाहिए, तो मैं क्या लिखूँगी, फ्रॉम नेम, फ्रॉम टेबल, कौन सी टेबल, पहली वाली टेबल, फ्रॉम एम्प्लॉय, तो अपन यहाँ क्या लिखेंगे, नेचुरल जॉइन, ये तो क्वेरी का पार्ट है, ये तो मतलब परमानेंटली लिखना ही है। सिलेक्ट लिखा, कॉलम नेम की जगह नेम लिख दिया, फ्रॉम टेबल नेम वन, टेबल वन, तो टेबल नेम की जगह मैं एम्प्लॉय लिख दूंगी। नेचुरल जॉइन टेबल टू मतलब डिपार्टमेंट लिख देंगे, और ये क्वेरी विद सेमीकोलन रन करवा के देखेंगे। तो चलिए दोस्तों आप लोग को ज्वाइन अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये रही हमारी क्वेरी, अच्छे से दिख रही है पूरे इस पर, तो आप लोग यही क्वेरी से इसको रन करवा के देखेंगे, हम लोग अभी करवा के देखेंगे। दोस्तों हम लोग यहाँ ज्वाइन समझते हैं, मैंने यहाँ ऑलरेडी दो टेबल्स बनाई है, मैं आपको शो करके दिखाती हूँ। तो मैंने कौन सा डेटाबेस लिया है, यहाँ मैंने डेटाबेस लिया है, कॉलेज नाम का डेटाबेस बनाया है, ठीक है? चलो ये हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, टेबल को देख लेते हैं कौन सी टेबल है हमारी, ठीक है? तो मैं लिखूंगी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एसटीयू, मतलब मैंने एक स्टूडेंट नाम की टेबल बनाई है जिसका नाम मैंने एसटीयू दिया है। तो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ एक तीन कॉलम मैंने दे दिए, एसटीयू मतलब स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, सेकेंड ये एसटीयू नेम दिया हुआ है, और ये स्टूडेंट सिटी, एसटीयू सिटी, ओके। अब मैंने दूसरी टेबल बनाई है डिपार्टमेंट नाम की, सेम क्वेरी है, सिर्फ पीछे नाम चेंज कर देते, दो टेबल सेम डेटाबेस में बनाना है, ठीक है? तो अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखे कि कैसे टेबल्स बनाना है, तो आप लोग लास्ट वीडियो जाके देख सकते हैं, आई बटन में भी शो है वो वीडियो, और आपकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। तो देखिए दोस्तों यहाँ हमें दो टेबल हो गई है ना। अब डिपार्टमेंट वाली टेबल में क्या दिया है, डिपार्टमेंट आईडी दी है मैंने, डिपार्टमेंट का नाम दिया है कि बच्चा कौन सा डिपार्टमेंट में पढ़ता है, पर्टिकुलर स्टूडेंट, ठीक है? और उसकी स्टूडेंट आईडी जो कि यहाँ अभी है। अब ये तो आप लोग देख रहे होंगे कि मैम स्टूडेंट आईडी तो हमारे स्टूडेंट वाली टेबल में भी है, और अगेन स्टूडेंट आईडी हमारी डिपार्टमेंट वाली टेबल में भी है। तो अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा पहला वाला, तो बच्चों वो देख लीजिए, क्योंकि क्या है ना, ये स्टूडेंट आईडी इस वाली स्टूडेंट टेबल के लिए इट इज अ प्राइमरी आईडी बच्चों, एंड इस वाली टेबल के लिए इट इज क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ, फॉरेन आईडी हो जाएगा ना, है ना? बताया था ना मैंने पिछले वीडियो में। तो मैंने यहाँ नाम क्या करा है, सेम दिया है, कि ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब मुझे ज्वाइन करना है इन दोनों टेबल को, तो मैं क्या क्वेरी लिखूँ, कैसे करूँ? तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या कर लिखेंगे, सिलेक्ट लिखेंगे, किस चीज़ को सिलेक्ट कर रहे हैं हम लोग। तो मैंने सिलेक्ट किया स्टूडेंट आईडी का नाम सिलेक्ट करते कि पर्टिकुलर बच्चा कौन से डिपार्टमेंट में पढ़ता है, ये दोनों चीज़ें मुझे चाहिए, तो इन दोनों टेबल को ज्वाइन करना पड़ेगा मुझे। तो मैंने लिखा सिलेक्ट एसटीयू डॉट, पहले टेबल का नाम लिखना, उसमें से कौन सा कॉलम चाहिए डॉट लगा के वो लिखना, तो एसटीयू डॉट, अब मुझे कौन सा कॉलम चाहिए, तो स्टूडेंट नेम वाला मुझे कॉलम चाहिए यहाँ। अब क्या करना है, कॉमा, और कौन सा कॉलम चाहिए, दूसरी टेबल डिपार्टमेंट वाली में मुझे कौन सा कॉलम चाहिए, डिपार्टमेंट नेम चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगी, डी पी एन ए एम ए नेम लिख दिया मैंने, ठीक है? ये दोनों कॉलम हो गए हमारे पास। अब डिपार्टमेंट नेम लिख दिया यहाँ हम लोग ने। अब लिखूंगी मैं यहाँ फ्रॉम, कौन सी टेबल से चाहिए मुझे, तो जो लास्ट वाला नेम लिखा ना, तो यहाँ हम लोग फ्रॉम के बाद सेकेंड टेबल का नाम लिखेंगे, मतलब सेकेंड टेबल का नाम क्या है जल्दी से बताओ, डीपी मतलब डिपार्टमेंट नाम है। उसके बाद क्या करेंगे, नेचुरल ज्वाइन लगाया हम लोग ने, जो ज्वाइन लगाना होता है हम लोग को, ज्वाइन करने के लिए भी तो कुछ ना कुछ है ना, ये कमांड ज्वाइन के लिए, तो नेचुरल ज्वाइन लिखोगे आप लोग, नेचुरल ज्वाइन, और आप फर्स्ट वाली टेबल का नाम लिखोगे, ठीक है? सेकेंड वाली टेबल से मुझे फर्स्ट वाली टेबल को ज्वाइन करवाना है, तो फ्रॉम डिपार्टमेंट नेचुरल ज्वाइन, अब इसके बाद मैं क्या लिख दूंगी, पहली वाली टेबल का नाम, दैट इज एसटीयू मतलब स्टूडेंट वाली टेबल का नाम, विद सेमी कॉलन, ये सारी चीजें मत भूलना। एक बार वापस से देख लो क्वेरी, सिलेक्ट लिखा मैंने, स्टूडेंट डॉट स्टूडेंट नेम, पहली टेबल से मैंने स्टूडेंट नेम वाले कॉलम को चूज किया है, इस वाले कॉलम को और डिपार्टमेंट नेम वाले कॉलम को मुझे दोनों को ज्वाइन करवाना है फ्रॉम, ठीक है? फिर कॉमा करके दूसरा कॉलम कौन सा चाहिए, तो डिपार्टमेंट वाली टेबल से, तो डी पी डॉट लिखा, ये टेबल का ये कॉलम चाहिए,
है ना। तो पहले टेबल का नाम, फिर डॉट, फिर उसके कॉलम का नाम। फ्रॉम कौन सी टेबल पे जाइए, डिपार्टमेंट से, और नेचुरल ज्वाइन लगाए कौन सी टेबल से ज्वाइन करवाए, एसटीयू से। रन करवा के देखते दोस्तों। देखो अब क्या आ गया, देखो पहली वाली टेबल का नाम था स्टूडेंट नेम आ गया जो मुझे चाहिए था। देखो यहाँ से स्टूडेंट नेम आ गया, यहाँ से डिपार्टमेंट नेम आ गया, ये दोनों को ज्वाइन करवाना था हमें, करवा लिया हमने इस कमांड से, तो वेरी गुड। चलिए तो अब हम लोग, हमको क्या आ गया, ज्वाइन करवाना आ गया। देखो अब मैं यहाँ से क्या डायरेक्टली चूज कर सकती हूँ कि आयुषी सिविल डिपार्टमेंट की बच्ची है, सेजल आईटी डिपार्टमेंट में पढ़ती है, और मुस्कान कंप्यूटर साइंस वाले डिपार्टमेंट में पढ़ती है। तो यहाँ हम लोग को क्या समझ में आया कि हम लोग को ज्वाइन का कैसे यूज करना है। मैं पर्टिकुलर किसी भी स्टूडेंट का डिपार्टमेंट बता सकती हूँ, कॉलेजेस में अलग अलग डिपार्टमेंट में बच्चे स्टडी करते हैं ना, तो मैंने इंजीनियरिंग के सारे डिपार्टमेंट्स लिए कि सिविल डिपार्टमेंट, आईटी डिपार्टमेंट, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट। ओके, तो इस तरीके से हम लोग ज्वाइन को यूज करते हैं। आई होप दैट आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और लाइक भी करते जाइए, अच्छा अप्रिसिएशन मिलता है यार, अच्छा लगता है। तो कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बता के जाइएगा, और साथ ही साथ आप हमारे चिटकुट स्टडी वाले उस पर टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो सकते हैं, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, और सारी की सारी कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड सारी लिंक मेंशन है, चैप्टर नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड सभी की अभी तक है ना, सिर्फ एक चैप्टर बाकी है हमारा जो है हमारा चैप्टर नंबर 4, जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे। अच्छे से पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, इसी के साथ बच्चा पार्टी, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।